ये तो आपको पता होगा, भारत में टैरिफ प्लान्स की कीमतों को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से रिचार्ज बहुत महंगे हो गए हैं, और स्पेशली एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान्स। सो दोनों ही कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान्स को पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया है, और इससे ना आम यूज़र बहुत परेशान है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब हम रिचार्ज कैसे यूज़ करेंगे, मतलब इतना अमाउंट कैसे पे करेंगे। तो मैं आपको हेल्प करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट बता सकती हूँ, एक एडवाइस दे सकती हूँ, कि बहुत से लोग शायद अपना सिम पोर्ट करना चाह रहे होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि इतने ज़्यादा अमाउंट का आप रिचार्ज नहीं कराना चाहते हैं, हल्का फुल्का इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आपको नॉर्मल अमाउंट पे करना है, आप चाहे तो एयरटेल जियो के अलावा बीएसएनएल सिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बीएसएनएल के रिचार्ज कंपैरेटिवली थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। तो अगर आप उन यूज़र्स में से हैं जो अपने एयरटेल के सिम को बीएसएनएल पे पोर्ट करना चाहते हैं, तो ये काम आप घर बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका कुछ प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको यूनिक पोर्टिंग कोड यानी कि यूपीसी नंबर चाहिए होगा। तो जब भी आप अपने किसी नंबर को दूसरे नंबर पर पोर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यूपीसी नंबर की ज़रूरत होती है। जैसे आप किसी रिटेलर के पास या शॉपकीपर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपको एक सिम कार्ड पोर्ट कराना है, तो आपसे वो आपका यूपीसी कोड और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो अब यूपीसी कोड के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने एयरटेल मोबाइल नंबर से एक एसएमएस करना है 1900 नंबर पर, और उसमें आपको पोर्ट लिखना है, और उसके बाद स्पेस देके अपना 10 डिजिट का जो नंबर है वो नंबर मेंशन करना है, और ये एसएमएस आपको भेज देना है। कुछ ही देर बाद कस्टमर केयर जो है एयरटेल का, वो आपसे कनेक्ट करेगा, एसएमएस के थ्रू आपको यूपीसी कोड दे देगा। जब आपको यूपीसी कोड मिल जाता है, तो उसके बाद आपको बीएसएनएल के जो स्टोर्स हैं, जो भी नियरेस्ट स्टोर है आपके पास, वहाँ विजिट करना है। वहाँ जाकर आपको बताना है कि आपका नंबर आपको पोर्ट करना है, वो नंबर आपको देना होगा, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपका आईडी प्रूफ, नाम, एड्रेस, डिटेल्स, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको शेयर करनी होगी। एक केवाईसी किया जाएगा, और उसके बाद आपका यूपीसी कोड मांगा जाएगा, तो वो कोड आपको वहाँ रजिस्टर कर देना है। तो ये सारा काम करने के बाद आपका जो नंबर है वो पोर्ट हो जाएगा, और मैं आपको बता देती हूँ नंबर पोर्ट होने का जो मिनिमम टाइम है वो है 7 दिन। तो 7 दिन के प्रोसेस के बाद आपका जो नंबर है वो एयरटेल से बीएसएनएल में पोर्ट कर दिया जाएगा, और बीएसएनएल की तरफ से आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा कि आपके सिम कार्ड को पोर्ट कर दिया गया है। तो है ना बड़ा आसान और कमाल का प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आप घर बैठे भी कर सकते हैं, तो यूपीसी कोड के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि रिचार्ज प्लान्स बहुत महंगे हैं, तो आप चाहें तो एयरटेल से बीएसएनएल में पोर्ट करा सकते हैं। सो ये वीडियो खासतौर पे उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता था कि ये काम कैसे किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आपको आई है, तो वो प्रॉब्लम आप हमें क्वेरी के तौर पर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।